गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप लोग मेरे पीछे स्क्रीन देख पा रहे होंगे। हम लोग आज बातचीत करेंगे टीचर्स ट्रेनिंग पर, जिसमें हम लोग बात करेंगे 7 C's ऑफ टीचिंग पर। अपने टीचिंग को इफेक्टिव कैसे बनाएं, अपनी टीचिंग को इफेक्टिव हर टीचर बनाना चाहता है, और जो नहीं चाहता ऐसा तो बहुत कम होंगे शायद, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। हर कोई चाहेगा अपनी टीचिंग जो इफेक्टिव हो, क्योंकि टीचिंग अब वो करियर नहीं रहा है कि बस एक मार साहब है, पुराने पजामा पहन के आ रहे हैं, 5,000 रुपये कमा रहे हैं, ऐसा नहीं है। आज टीचिंग भी जो है एक अट्रैक्टिव करियर है, और जो है अच्छी सैलरी भी मिलती है। यदि आप किसी को बहुत ज़्यादा लालच हो तो बात अलग है, अदरवाइज़ पे अच्छी सैलरी भी मिलती है। तो यदि आपको अच्छी सैलरी यदि आप चाहते हैं, तो आप लोगों को अपने टीचिंग को इफेक्टिव बनाना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि स्टूडेंट्स आपके फेवरेट बन जाए, आप या स्टूडेंट के आप फेवरेट बन जाए, स्टूडेंट आपको फॉलो करे और वाह 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 ये मैम क्या पढ़ाती है, वाह 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 हमारा सर तो बहुत ही जो है इफेक्टिव है, बहुत शानदार है। तो ये ट्रेनिंग जो है आपके लिए बहुत काम आएगी। ये 7 C एक मैं फार्मूला दे रहा हूँ, आज सारे सी के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे, और ये फार्मूला आपके काफ़ी काम आएगा। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। टीचिंग को इफेक्टिव बनाना चाहते हैं तो आपके पास अच्छा कंटेंट होना चाहिए। इट मीन्स ये कि आपका जो भी सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट जो टॉपिक आप पढ़ाने जा रहे हैं, उस टॉपिक के बारे में आपको डिफरेंट डिफरेंट एंगल से बात पता होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर चीज़ है तो उसके मतलब उसका मीनिंग भी पता है, तो उसके टाइप भी पता है। तो आप अलग अलग एंगल से यदि वो बात को समझा पाएँ, अलग अलग एंगल से एग्जांपल दे पाएँ, तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके समझा पाएंगे। अब इन सब चीज़ों के लिए ये बात बहुत ज़रूरी है कि आपके पास वो पर्टिकुलर नॉलेज हो। आपके पास यदि कोई चीज़ होगी तभी तो आप दे पाएंगे। आपके पास नॉलेज है ही नहीं तो आप क्या नॉलेज दे पाएंगे। आप इरिस्पेक्टिव आप जो भी आपका सब्जेक्ट हो, आपका कोई सा भी सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट में आपके नॉलेज भरपूर होना चाहिए कि आपको कभी ऐसा फील ना हो कि मैं अब आगे क्या बोलूं, है ना। व्यक्ति अटक जाता है कि आगे क्या बोलूं। आपके पास अपने सब्जेक्ट का इतना नॉलेज होना चाहिए, और वो नॉलेज कैसे आएगा, पढ़ते रहें और पढ़ने से ज़्यादा बोलते रहें। अपने सब्जेक्ट के बारे में जब आप बोलेंगे, आपके पास जो है कंटेंट होगा। आप इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देना है। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं कि कंटेंट गोल, आप जो बताने जा रहे हैं, आप क्या चीज़ बताने वाले हैं, उसका उद्देश्य आपको क्लियर होना चाहिए। फिर है आपका सोर्सेस, आपने आप जो भी चीज़ें ला रहे हैं वो कहाँ से ला रहे हैं, या ये बारे में कहाँ से बता रहे हैं। आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक है उसकी आपने उसके बारे में आपने कोई लाइन लेकर आया, तो ये लाइन कहाँ से मिली है। आपके पास डिफरेंट सोर्सेस होना चाहिए। सेकंड बात यदि हम करें कि एक स्ट्रक्चर वे में हमें बात को रखना आना चाहिए। हम कोई सी बात कहीं से कहीं भी उठा के दे रहे हैं तो या बता रहे हैं, तो हम लोग जो है ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से नहीं बता पाएंगे। मतलब हमारे जो हमारा कंटेंट है वो स्ट्रक्चर वे में होना चाहिए, क्वांटिटेटिव पाथ होना चाहिए, और उसको एक्टिविटीज़ के थ्रू समझाना चाहिए। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपको वर्ब की 3 फॉर्म समझाना है, तो आपने देखा होगा अपने ग्राउंड में भी बना हुआ है इस टाइप से कि कुछ लाइनें बना दी है और वर्ब के 3 फॉर्म उसमें लिख दिए। अब आपने 3 लाइन या 1 लाइन सॉरी बच्चों की खड़ी कर दी, 5 बच्चे या 10 बच्चे लाइन खड़े हो गए। आपने जैसे बोला कि गो, तो वो फर्स्ट लाइन में आ जाएंगे, वेंट सेकंड लाइन में आ जाएंगे, गो थर्ड लाइन में आ जाएंगे। इस तरीके से आप दूसरी कोई वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो जो से आप वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें आ जाएंगे। तो बच्चों के लिए गेम्स भी हो गया और गेम के साथ साथ में जो है पढ़ाई भी होगी। खैर आगे बढ़ते हैं। मेन चीज़ ये है कि आपके पास एक जो है भरपूर कंटेंट आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट जो सबसे इस बारे में हम पहले बात कर चुके थे इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ, और नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के बारे में आप लोगों में बहुत सारों ने पढ़ा भी होगा। कम्युनिकेशन अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। अब पर उसमें मुद्दे की बात यह है, कम्युनिकेशन इट मीन्स हाउ यू इंटरेक्ट विद अदर्स, आप कैसे लोगों से बात करते हैं वही कम्युनिकेशन है। अब इसमें जो है आप जब बात कर रहे हैं तो सबसे एक जो इम्पोर्टेंट मायने रखती है, जो चीज़ मायने रखती है कि वो ये है कि आप जो है स्किलफुल लगे, आप कॉन्फिडेंट लगे। और कॉन्फिडेंस जो है, मैं ये नहीं मानता कि कॉन्फिडेंट रहें। कॉन्फिडेंस जो है वो रहने से नहीं आता है। कॉन्फिडेंस
आपके पास नॉलेज होने से आता है। जब आप किस चीज पर बोलने जा रहे हैं तो आपके पास उस चीज का कितना एक्सपीरियंस है या आपने उस चीज को कितने क्लियरली ऑब्जर्व किया है, उस बेसिस पर जो है आपके अंदर ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आएगा। आपको ऑटोमेटिक जो है बोलने में एक अलग ही आप बहुत व्यवस्थित तरीके से आप बोल पाएंगे। यदि आपके पास वो कंटेंट नहीं है, आपके पास यदि वो नॉलेज नहीं है या आपका उस फील्ड में कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप रटी रटाई बातें जरूर बोल लेंगे लेकिन आप कॉन्फिडेंस के साथ में आप जो है कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, वो जो है अपनी बात जो है सामने वाले तक नहीं पहुंचा पाएंगे। आपको आप ये चाहते हैं कि आपके लिसनर जो है वो आपको ध्यान से सुने और वो समझे, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको उन्हें इंगेज रखना होगा। और जो है इंगेज रखने के लिए आपके पास यदि कंटेंट आता जाएगा तो वो ऑटोमेटिक जो है वो इन्वॉल्व रहेंगे। अब कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आमतौर पर कम्युनिकेशन में सिखाई जाती है, जैसे कि आई कॉन्टेक्ट होना चाहिए जिनसे आप बात कर रहे हैं। आप देखिए जैसे ऑनलाइन में हम पढ़ा रहे हैं तो ऑनलाइन मजबूरी में पढ़ लिया, लेकिन आज चल पा रहा है ऑनलाइन? क्या नहीं चल पा रहा, इतना नहीं चल पा रहा है। यूट्यूब वगैरह वीडियो देखना एक अलग बात है, वो तो व्यक्ति जब खुद सेल्फ स्टडी करता है तब देखता है। बाकी लाइव क्लासेस वगैरह अभी इतनी नहीं चल पा रही क्योंकि वहाँ फेस टू फेस या आई कॉन्टैक्ट नहीं है। फिर जो आप कोई बात बोल रहे हैं तो ऐसा तो नहीं होता है कि आप कोई मशीन तो नहीं है कि जो है आप एक कोड की तरह बोले बोलते रहेंगे, हेलो दोस्तों आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको हिंदी सब्जेक्ट, हिंदी में हम आपको आज पढ़ाएंगे, व्याकरण में आज हम आपको पढ़ाएंगे संधि विच्छेद, ऐसा तो नहीं आप बोलेंगे। ऑब्वियस ही बात है, कहीं पर बात को जो है धीरे भी होगी, कहीं पर जोर से भी होगी, कहीं पर जो है बहुत ज़ोर से भी होगी, और वही आपकी बात को जो है इफेक्टिव बनाती है। अब ये मैंने कभी कोई क्लास सुनी, मैं गया था तो गया होगा कभी, तो एक एग्ज़ाम्पल मुझे उन्होंने दिया था, वो एग्ज़ाम्पल मैं भी आपको दे रहा हूँ। अब ये एग्ज़ाम्पल ये है कि आप, मैं एक ऐसे एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, आप उसको आप व्यक्तिगत तौर पर लेने का, जैसे कि कुछ जैसे आप आसाराम बापू है ना। अब आसाराम बापू के बाद के केस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पहले की बात कर रहा हूँ। जब उनके प्रवचन सुने मान लो, तो जो है वो बड़ा हाँ भाई भक्तो ये वो बड़ा बड़ा एक स्लो उसमें चल रहा है। वही हम यदि तरुण सागर को सुने है ना, अब तो स्वर्गीय तरुण सागर जी हो गए, तो अब उनको सुने तो उनके जो है वो अपने प्रवचन में बोलते बोलते अरे तुम जग रहे हो तो वो जो है सबको जगा दे, नारी को मतलब, तो जो है वो अपनी बात में बीच बीच में जो है एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, वो ऊपर नीचे हो रही है ना। तो जो है वो इस वजह से क्या है कि व्यक्ति सुनता रहे, एक्टिव रहे, वो जरूरी है। आप जितने भी इफेक्टिव कम्युनिकेटर रहे आप उनको देखिए कि उनके बातचीत में थोड़ा ऊपर उतार चढ़ाव जो आएगा, बिल्कुल फ्लैट बोलते हुए नज़र नहीं आएंगे, है ना। आप मोदी जी को देख लीजिए, इफेक्टिव कम्युनिकेटर है वो, बहुत अच्छे ओरेटर है। आप बहुत सारे और भी कम्युनिकेटर्स आप देखेंगे जो ज़्यादा जिनके जो है जिनकी लाइन ऐसी चलती है वो ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से बात बोल पाते हैं, क्योंकि लाइफ चलती है ऐसे, है ना। आपने जैसे हॉस्पिटल में देखा होगा ना, आपने जो है मेरी लाइफ लाइन ऐसे चल रही है, ऐसे चल जाए तो ख़त्म। ओके, तो ये एक आप इस बारे में जो हमें सबसे ज़्यादा खास ध्यान रखना है कि जो है हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो, इसके लिए भी कंटेंट ही मायने रखता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आप आई कॉन्टेक्ट मिला के बात करें, कोई चीज़ नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, उसको बाद में बता सकते हैं, लेकिन जानबूझ के कोई बात गलत बताना और गलत है। और अपने जो वॉइस है, यदि आपके ऐसी प्रैक्टिस नहीं है तो प्रैक्टिस करें। जैसे मेरी आवाज़ इतनी बुलंद नहीं थी, आज है लास्ट तक आवाज़ आ रही होगी, तो ये आवाज़ बुलंद पढ़ाते पढ़ाते हो गई, और पढ़ाना है और इफेक्टिव ही पढ़ाना है, उस मजबूरी में ये चीज़ हो गई।
अब मैं आपको एक सीधी सी बात बोलूँ कि जो भी जिसको भी आप जैसे जिनका बचपन थोड़ा दुख में गुजरता हो, थोड़ी परेशानी में बीता हो, वो बच्चे जो है आगे जा के कुछ अच्छा कर ही लेते हैं। और जिनको शुरुआत से सब कुछ मिल रहा हो, वो जो है अक्सर आप देखेंगे कि वो सरकारी गवर्नमेंट जॉब में थे साहब, और उनका लड़का जो है बिल्कुल आवारा निकल गया। ऐसा आपको आपका आसपास अपने आसपास ही एक एग्जांपल देखने को मिल जाएंगे कि वो पिताजी बहुत वेल एस्टेब्लिश्ड है और बच्चे को बचपन से सब कुछ मिला है, जब साइकिल चाहिए तो साइकिल, गाड़ी चाहिए तो गाड़ी, जो चाहो उसको मिला। लेकिन वही बच्चा जो है लास्ट में जाकर के जो है उसका उसका रिजल्ट जो है या उसका आउटकम जो है ज़्यादा बेहतर नहीं है। उसकी हर जीत पूरी करते गए और वो जो है एक समय पर जा कर जो है जिद्दी बच्चा बन गया। इसका एग्जाम्पल तो सीधे राम जी दे के चले गए कि जो वनवास गया वही राम बना। ना वो वनवास जाते, ना इतने तकलीफ झेलते, ना वो इतने इतना ज़्यादा मतलब आज मतलब वो भगवान बनते। आप दूसरा ग्रंथ से देखें हमारा महाभारत भगवद गीता की हम बात करें तो पांडव भी जो है वनवास गए, वो 14 साल गए थे, 13 साल गए। और आप देखेंगे कि वो वनवास गए और वो लोग वो भी हमारे लिए जो वो युग का युग आज तक जो है वो एक पूरे युग का इतिहास बना के चले गए। ठीक, खैर आगे बढ़ता हूँ मैं। तो इसके बारे में आप लोग और स्टडी करें कम्युनिकेशंस के बारे में, और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इफेक्टिव बनाने की कोशिश करें। एक ये भ्रांति है कि इंग्लिश बोलना ही कम्युनिकेशन, और ये यूजुअली हर जिस स्कूल में जाओगे तो प्रिंसिपल वगैरह बोलेंगे स्पीक इंग्लिश ओनली। मैं आपको ऐसा नहीं बोलूँगा, आल्दो आई कैन स्पीक इंग्लिश, आल्दो मोस्ट ऑफ यू कैन स्पीक इंग्लिश, बट इट इज नॉट ऑलवेज रिक्वायर्ड टू स्पीक इंग्लिश। हमेशा हम हर चीज को स्पीक इन इंग्लिश से ही तोलें। इंग्लिश कितनी अच्छी आती है उसी हिसाब से इंसान को हम तोलें, देखें कि इंग्लिश आ रही मतलब पढ़ा लिखा है। ये इन जनरल सोच है जो धीरे धीरे बदल रही है और बदलना ही चाहिए। कस साहब इंग्लिश बोलते हो, अरे यार इंग्लिश बोलते हैं तो क्या वो बात डबल बार सुनना थी क्या? यदि किसी ने बोला इंग्लिश में प्लीज और हिंदी में किसी ने कृपया बोल दिया तो क्या उसका मान कम हो गया, उसका मीनिंग बदल गया क्या? नहीं बदला। अपनी बात को भले आप हिंदी में क्यों नहीं बोल, लेकिन इफेक्टिव तरीके से बोल सकते हैं। आज तो चूंकि आप एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में हैं, इंग्लिश में किताबें हैं, जब तक गवर्नमेंट या जब तक न्यू एजुकेशन पॉलिसी में या कोई बड़ा बदलाव ऐसा नहीं आ जाता, तब तक आप हम लोगों के लिए थोड़ी अर्जेंसी तो रहेगी, क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्कूल में है तो आप सभी लोगों को इंग्लिश भी आना चाहिए। ज़्यादा कुछ नहीं तो कम से कम आप लोगों को जो जनरल कम्युनिकेशंस वाली इंग्लिश है वो आपको आना चाहिए। चलिए, आपको यदि तैयारी करना है तो ये मेरी किताब है, इससे आप स्टडी करें। और मेरी गारंटी है यदि आप इस ये किताब आप 3 दिन में पूरी किताब पढ़ सकते हैं पढ़ना चाहे तो, और हिंदी इंग्लिश में पूरी दे रखी है, जो बिल्कुल हिंदी मीडियम का है उसको भी समझ में आ जाएगी, क्योंकि मैं भी कभी हिंदी मीडियम का ही बच्चा था। और जो है मैंने जैसे इंग्लिश सीखी वैसे ही आपको भी मैंने सिखाने की इसमें कोशिश की है, और आप लोग भी जो है सीखें, और सीखना ही पड़ेगी, दूसरा रास्ता नहीं है आपके पास। जिसके पास ये किताब नहीं है वो किताब ले लो और जो है वो आप स्टडी करो। जो खरीद सकता हो खरीद ले, जो नहीं खरीद सकता उस वो मेरे से गिफ्ट में ले ले, लेकिन स्टडी सबको करना है। ठीक है, चलो ये प्रमोशन था, आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर, यहाँ बात आपको पॉज करते हैं 2 मिनट थोड़ा सा। नेक्स्ट जो हमारा 7 C's ऑफ इफेक्टिव टीचिंग है उसमें वो है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी, अब आप में से कोई क्रिएटिविटी को डिफाइन करेगा क्या? क्रिएटिविटी मीन्स व्हाट? हाँ यस, एक नए आकार में लेके आना या किसी भी चीज से कुछ नया बनाना, इट्स कॉल्ड अ क्रिएटिव। लाइक मेरे पास सिर्फ एक पेपर है, इस कॉपी का एक पेपर है, अब ये नॉर्मल एक पेपर है, अब मेरी क्रिएटिविटी क्या हो सकती है इस पेपर को लेकर? लाइक मैं फ्लावर बना सकती हूँ, या मैं एक बोर्ड बना सकती हूँ, या मैं क्या बना सकती हूँ?
वेरी गुड, क्लैप फॉर हर. हाँ, इज देयर एनीवन हु वुड लाइक टू स्पीक अबाउट क्रिएटिविटी? और कोई क्रिएटिविटी के बारे में कुछ बोलना चाहेगा? हम लोग बहुत चिल्लाते हैं बार बार, हम क्रिएटिव है, क्रिएटिव है, हमारा क्रिएटिव तरीके से काम कर रहे हैं. क्या होता है क्रिएटिविटी और बताइए, और कोई है? चलिए ठीक है. तो क्रिएटिविटी की जब बात आती है तो जैसा अभी मैडम बताया, लगभग ऑलमोस्ट वही बात है कि डिस्कवरी ऑफ समथिंग नॉवेल विच इज यूजफुल एंड एलिजेंट. हम किसी भी चीज़ को, मतलब कोई नई चीज़ का डिस्कवरी करें और उसका कोई उपयोग हो और वो एलिजेंट हो. अब आप पढ़ाने में कुछ तो भी उठूल जुलूल लेकर आ गए. अब पता चले आप डांस क्लास में डांस सिखाना ठीक है, पर बच्चे को क्लास में डांस डांस सिखा सिखा करके ना उसको मात्रा पढ़वा रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा वो एलिजेंट नहीं है. पढ़ाने के लिए हमें कोई नए नए तरीके खोजना जरूर होंगे, लेकिन वो नए तरीके हुलूल जुलूल तरीके होंगे कुछ तो भी. भाई जो डांस टीचर है वो डांस करवाए तो बात समझ में आती है, लेकिन जो डांस टीचर नहीं है वो भी डांस करवा रही है, न वो भी डांस कर रही है, न वो भी रील बना रही है, तो वो बच्चे फिर बाकी चीज़ें कब सीखेंगे? अरे भाई उस जब भी वीक में 3 दिन या वो 1 मिनट जब डांस का पीरियड है, जब डांस वाला डांस सिखाए कोई दिक्कत नहीं, पर लेकिन जिसको पढ़ाना चाहिए वो भी डांस सिखा रहा है, तो फिर कैसे काम चलेगा? तो ये मतलब ये आजकल आ रहा ना सोशल मीडिया में, इसलिए बोल रहा हूँ मैं, हम लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं और ना ही हमें करना है ऐसा. तो डिस्कवरी ऑफ समथिंग नोवेल विच इज यूजफुल एंड एलिजेंट, मतलब वो ऐसा भी लगना चाहिए कि कुछ तो भी लिया है. अब मैं जैसे आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि मैं इस एक बुक का नाम रख दिया इंग्लिश टू इंग्लिश. अब ठीक है, इसमें इसको बोल सकते हैं कि थोड़ी क्रिएटिविटी है, लेकिन इससे किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा ना? ऐसा तो नहीं कि किसी को, मतलब मैंने उल्टा सुलटे लिख दिया, गाली तो नहीं बक दी किसी को, तो वो चलेगा. लेकिन यदि मतलब कुछ तो भी अपन अनाप शनाप कर रहे हैं तो उसको क्रिएटिविटी नहीं बोला जाता है, उसको भी नॉन साइंस चीज़ें ही बोला जाएगा. तो आप कोई भी चीज़ नई चीज़ नए तरीके से करें तो वो जो है हो सकता है कि सिखाने में ज़्यादा आपको हेल्प कर सकती है, बच्चे को नए तरीके से सोचने में हेल्प कर सकती है. देखिए एक थ्योरी है कि यदि हम कोई बात को सुनते हैं तो 10% याद रहती है दो सप्ताह बाद. कोई चीज़ को हम देखते हैं तो 20% याद रहती है. उसी चीज़ को देखते और सुनते दोनों हैं तो 30% याद रहती है. अब वही चीज़ हम करते हैं तो वो चीज़ 50% याद रहती है. और यदि वही चीज़ को हम किसी को बताते हैं तो 50% याद रहती है, और वही चीज़ यदि हम करते हैं तो 70% याद रहती है 2 सप्ताह बाद. आप देख लेना ऐसा प्रैक्टिकल करके. तो इट मीन्स ये हुआ कि आपने यदि क्लासरूम में गए और आपने जो है पढ़ा दिया और कुछ डायग्राम बना दिया और कुछ फोटो दिखा दिया, उससे बच्चे की पढ़ाई 30% ही होगी. आप यदि वो बच्चा वापस आपको बता दे या दूसरे बच्चे को बता दे तो उसकी पढ़ाई जो है, उसकी लर्निंग 50% हो जाएगी. और यदि पॉसिबल हो सके तो वो काम को यदि आप ग्राउंड में आकर के या वो काम को प्रैक्टिकली यदि आप सिखा दें तो जो है वो काम ज़्यादा सक्सेसफुल, आप मतलब ज़्यादा उसको 70% तक याद हो जाएगा. मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ. जैसे मान लीजिए आपका फिजिक्स या EVS का सब्जेक्ट है, आपको बच्चों को वॉल्यूम पढ़ाना है, तो आप रियल में एक कंटेनर लेकर आइए, एक डब्बा लेकर आ जाओ, पानी डालो उसमें, है ना, उस पानी को लीटर से नाप के बताओ, बिल्कुल वॉल्यूम फटाक समझ में आएगा. आप जो है वो आपको जो है कुछ चीज़ नाप के बताना है तो टेबल को जो है आप टेप लेकर आइए साथ में, टेप को टेप से नाप करके बताइए, बच्चों को फटाक समझ में आएगा, है ना. आपको कलर बताना है तो आप कलरफुल कागज़ लेकर आ जाइए, कलर ही लेकर आ जाइए. अब कलरफुल कागज़ लेकर आ जाइए, आप कलरफुल कागज़ के थ्रू यदि कागज़ कलर को समझाएंगे बहुत जल्दी बच्चों को समझ में आएगा. आपके पास जब बच्चे फ्री है लाइब्रेरी में, आप बच्चों को बोलिए कि आप लाइब्रेरी में जो है आप 10 नए वर्ड ढूंढ के लाओ और उनके मीनिंग जो है आप गूगल ट्रांसलेटर में मोबाइल में, वहीं के भी लाइब्रेरी में, लाइब्रेरी वाले के पास मोबाइल रहेगा, उसको जो है वो वर्ड के मीनिंग वो ढूंढ करके बताए. या आप बोलो कि आप अपने सब्जेक्ट की बुक ही ट्रांसलेट करो, तो
आप अलग 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 तरीके बताएंगे तो वो जो है वो चीज़ को ज़्यादा अच्छे से बच्चा याद रख पाएगा। तो क्रिएटिविटी इट मीन्स ये कि आप डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में ये ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा ऐसा कर लो, ये नहीं ये अप्लाई नहीं हो रहा दूसरा अप्लाई, ये नहीं अप्लाई दूसरा। देखिए क्रिएटिव लोग वो हो पाते हैं या इफेक्टिव डिसीजन लेने वाले लोग वो हो पाते हैं जो एक बात को अलग अलग एंगल से सोचते हैं। जैसे एक बच्चा वो हुआ कि साहब क्या लेना है, बायो बायो सब्जेक्ट लेना है तो बायो ले लेता है। एक वो है क्या लेना है तो पहले बोलेगा क्या क्या ले सकता हूँ मैं, क्या क्या कर सकता हूँ मैं, तो उसने बायो आर्ट्स कॉमर्स मैथ्स है ना, फिर उसमें अपना एग्रीकल्चर सभी चार पांच फील्ड देखी, पांच में से दो तो हट गई कि भैया अब मुझमें केमिस्ट्री मुझसे नहीं पढ़ाएगा तो दो सब्जेक्ट हटा दिए। फिर उन तीन बची तीन में से फिर दो, दो में से फिर एक को सिलेक्ट करेगा तो वो व्यक्ति जो है ज़्यादा इफेक्टिव डिसीजन ले पाएगा और वही व्यक्ति क्रिएटिव भी ज़्यादा होगा। क्योंकि क्रिएटिविटी के लिए भी क्या चाहिए, अलग अलग एंगल से सोचना। ठीक, तो आई होप कि आप यदि क्रिएटिविटी को भरपूर यूज़ करेंगे तो आप जो है ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से जो है आप पढ़ा पाएंगे। ठीक, अब मैं अपनी बात को फिलहाल यही रोकता हूँ, आगे हम लोग कंसिस्टेंसी के बारे में बात करेंगे, ये हम कल से करेंगे।